समझो कभी तुम्हारी क्रश ने तुमसे ये पूछा कि बेबी जेजे के इतना फेमस क्यों है, तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? क्योंकि हाल ही में जेजे के ने एओटी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का मोस्ट फेमस एनिमे होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लेकिन फिकर नहीं, मैंने घंटों रिसर्च की है और इस सवाल का प्रॉपर जवाब ढूंढा है, जो तुम अपनी क्रश को बता के उसे इम्प्रेस कर सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स है जिसमें से मुझे दूसरा और तीसरा काफी ज्यादा लॉजिकल लगता है। तो जब मैंने रिसर्च और एनालिसिस शुरू की तो मैंने गेगे, जो कि जेजे का राइटर भी है, उनके बारे में काफी ज्यादा जानकारी बटोरी। फिर मुझे समझ आया कि गेगे एक ऐसा आदमी है जो ओल्ड ओजी शोनन देख के बड़ा हुआ है, लाइक नारुतो, ब्लीच, वन पीस, हंटर हंटर एंड ड्रैगन बॉल जी। और भी स्पेसिफिक बताना हो तो उसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है योशिहिरो तोगाशी, जिन्होंने हंटर हंटर लिखी है, पर इसमें हम आराम से आगे बात करते हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि उसकी जेजे की इंस्पिरेशन इन्हीं सब एनिमे से आती है। अब ये कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि इंस्पिरेशन और कॉपी करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देने हो तो मैंने ब्लीच पढ़ रखा है, और मुझे पर्सनली जो हॉरर टच ब्लीच के हॉलोस के थ्रू मिलता था वो आज किसी भी शोनन एनिमे से नहीं मिला, अंटिल मैंने जेजे के देखा। और इसी के कंटिन्यूएशन में अगर तुमने नोटिस करा होगा तो जेजे के कर स्पिरिट्स का डिजाइन कहीं ना कहीं ब्लीच के हॉलो से काफी मैच करता है। बस उनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं, बल्कि जो स्ट्रक्चर होता है जिससे वो प्रोड्यूस होते हैं, वो भी ब्लीच से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। यानी कि वो नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। अब दूसरा ऑब्वियस रेफरेंस है नारुतो का, जहां गोजो कहीं ना कहीं काकाशी से रिजेंबल करता है, और सॉर्सरर्स टीम को 3 या 4 के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे शिनोबी यूनिट्स को डिवाइड किया जाता था, जिसके चलते हर एक कैरेक्टर को एक प्रॉपर और अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट मिलती है। ऐसे कई सारे रेफरेंसेस है, पर अगर तुम सोच रहे हो कि जेजेके में कैरेक्टर्स की गुफीनेस कहां से आती है, तो उसकी इंस्पिरेशन है हंटर हंटर। द सेकंड रीजन कि जेजेके इतना ज्यादा फेमस है इज ऑब्वियसली द एनिमेशन। सीजन 1 से लेके सीजन 2 तक मापा ने जेजेके के एनिमेशन स्टाइल में काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। लाइक पहला सीजन काफी शार्प था और एनिमेशन क्वालिटी में बहुत ज्यादा कलर्स यूज किए गए थे। वही जीरो मूवी की टोन और एनिमेशन एक सबटल एनवायरनमेंट लेके चल रहा था, और सीजन 2 में तो क्या ही एक्सपेरिमेंट किए इन्होंने, कितने ज्यादा बवाल हुए थे एनिमेशन स्टाइल को लेके। काफी लोगों को वो एनिमेशन पसंद नहीं आया था और काफी लोगों को वो पसंद आया था। ऑल्दो मुझे तो मस्त लगा था, तुम्हें कैसे लगा था कमेंट सेशन में बताना। नाउ द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैरेक्टराइजेशन एंड इमोशन ऑफ जेजेके। हमने आज तक शोनन एनिमे में काफी ज्यादा मास मर्डर्स देखे, वही हमने इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को मरते हुए भी देखा है, लेकिन वो डेथ काफी सडन होती थी। तुम्हें एक्सपीरियंस है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी भी इंसान का धीरे धीरे अपनी मौत के करीब जाना, जहाँ शायद बात कभी भी खत्म हो सकती है, लेकिन तुम्हारी डेस्पिरेशन उस इंसान को अपनी आखिरी सांस तक ना पहुंचने देने की एक अलग इमोशनल वेटेज कैरी करती है। एक पतली सी उम्मीद की रस्सी जो हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को या रियल लाइफ लोगों के आखिरी सांस टालने की हमारी कोशिश को काफी ज्यादा डेस्पिरेट और पावरलेस फील करवाती है। और यही सेम चीज इतादोरी के साथ इस एनिमे में स्टार्टिंग से होती हुई आई है। जैसे कि सीजन 1 के पहले ही एपिसोड में उसके दादा का गुजर जाना या फिर उसके दोस्तों का गुजर जाना, इतादोरी ने इन पूरे सिचुएशंस के दौरान जो उम्मीद की रस्सी थी उसको अपने से बांधकर मजबूत रखने की कोशिश की, लेकिन शायद हमेशा वो हर बार टूट जाती थी। और ये ब्रिलियंट इमोशन राइटिंग गेगे ने नारुतो और हंटर हंटर से इंस्पायर्ड होकर लिखी है। अब जेजेके बस इतादोरी के इमोशन को एग्जर्ट नहीं करता, जेजेके एक ऐसी कहानी है जो सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन भी काफी अच्छे से करती है, जहां जेजेके की बेसिक पावर एनर्जी कर्स से आती है। और शायद इस दुनिया में सबसे निराशाजनक बात है कि कर्स स्पिरिट को सबसे ज्यादा एनर्जी इंसानों से मिलती है, क्योंकि इंसान प्रजाति इतनी कमी नहीं होती है कि वो हर बार किसी न किसी को दोष देने की कोशिश करती है, उसको कर्स करने की कोशिश करती है, चाहे फिर वो नेचर को हो, चाहे फिर वो इंसानों को हो, चाहे फिर वो जानवरों को हो। बी द ह्यूमंस कर्स द स्पिरिट्स एंड मेक देम पावरफुल। अब नोटिस करोगे तो इसी से रिलेटेड तो मेन विलन्स है, जैसे कि फायर्स कर्स स्पिरिट है, वाटर कर्स स्पिरिट है, नेचर्स कर्स स्पिरिट है, और सबसे लास्ट में आता है वे हरामी माहितो। मैं तो एक्चुअली माहितो को विलन मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो एक प्योर रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे इंसान एक टूटी हुई आत्मा है जो कि अपने अंदर सेंसलेसली एक हेट स्पिरिट कैरी करते रहता है। अगर तुम्हें मैं माहिती से चिड़ आती है तो कमेंट सेशन में गाली लिख सकते हो तुम। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। ये कुछ रीजन है मुझे लग रहा था कि जेजेके इतना ज्यादा फेमस है। तुम्हें क्या लगता है, मैंने जो कहा वो सही है? कमेंट्स में बताना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गाय।